समाजवादी बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन, रिपोर्ट अमीन अहमद। आपको बता दें, बिजनौर जिले की धामपुर विधानसभा में आज सपा बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्य अतिथि पूर्व राज्यपाल मां डॉक्टर शून्य अजीज कुरैशी साहब शामिल हुए। बूथ कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पूर्व राज्यपाल डॉ शून्य अजीज कुरैशी साहब ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला और भाजपा सरकार को किसान विरोधी और अंडानी अम्बानी की सरकार बताया। और उन्होंने बताया कि पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की लहर चल रही है और 2022 में समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव 2022 में मुख्यमंत्री बनेंगे। और उन्होंने सभी सपा कार्यकर्ता से धामपुर विधानसभा से पूर्व राज्य मंत्री मूलचंद चौहान को जिताने की अपील की। सपा बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में जिला अध्यक्ष राशिद हुसैन, जिला उपाध्यक्ष शेख कमरुल इस्लाम, जिला अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग बी के कश्यप, शंकर सिंह प्रजापति, नगर अध्यक्ष शमीम राणा और सपा कार्यकर्ता पदाधिकारी व सदस्यगण मौजूद रहे। बाइक पूर्व राज्यपाल डॉ शून्य अजीज कुरैशी साहब, इलाज में कमाई कर रही है और अत्याचार की, उस अन्याय की, उस अयोग्यता की जो योगी और मोदी सरकार ने किया और इनका खत ग्रहण ने किया, फिर देखता हूं मैं गंगा कटारे सैकड़ों दिख रहे हैं।